नमस्कार दोस्तों, आज इंडिया में कई प्रकार के तेल के बीजों का प्रयोग किया जाता है। इन तेल के बीजों की कंपोजिशन भी अलग अलग होती है और अलग अलग मात्रा में तेल पाया जाता है। यह डिपेंड करता है कि जहां बीजों को उगाया गया है वहां का क्लाइमेट यानी जलवायु कैसा है, कौन सा क्षेत्र है और वहां की मिट्टी कैसी है। तो हम अब एक एक बार इन सभी बीजों के तेल की मात्रा यानी ऑयल परसेंटेज के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इनकी प्राइस भी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कोकोनट की। कोकोनट यानी नारियल, इसे हम कोपरा भी कहते हैं। इसमें 50 से 60% तक तेल मिल जाता है। आगे कॉटन सीड यानी कपास, इसमें 20 से 25%। कैस्टर सीड यानी अरंडी, इसमें 30 से 35%। आगे ग्राउंड नट कर्नल यानी मूंगफली की गिरी, इसमें 40 से 45%। आगे गोखरू, इसमें 30 से 33%। फिर करंज यानी करंजी, इसमें 27 से 39% तेल मिल जाता है। आगे लिनसिड यानी अलसी, इसमें 32 से 43% तेल मिल जाता है। आगे मैजे जर्म यानी मक्का रोगाणु, इसमें 17 से 20% तेल मिलता है। आगे महुआ, इसमें 45 से 55% तेल मिल जाता है। आगे नाइजर में 32 से 50%, नीम में 42 से 45%, ओकरा सीड यानी भिंडी का बीज, इसमें 15 से 20%, पाम कर्नल यानी पाम की गिरी में 50 से 55%, पॉपी सीड यानी खसखस में 40 से 50%, पीहू खकान यानी पीलू खाकनी में 40 से 43%, और राई में 30 से 42% तेल मिल जाता है। आगे अगर मस्टर्ड की बात करें यानी सरसों में 40 से 45%, रबर सीड में 42 से 50%, और सीसम सीड यानी तिल में 50 से 57%, सोयाबीन सीड में 15 से 20%, और आगे सनफ्लावर सीड यानी सूरजमुखी में 35 से 40%, और आगे सैफ्लावर सीड यानी कुसुम में 28% तेल होता है। पीली सरसों में 35 से 48%, वैसे ही भूरी सरसों में भी 35 से 48% तेल होता है। आगे तोरिया में 40 से 45%, तारामीरा में 35%, तंबाकू के बीजों में 33 से 48%, और चाय के बीज में 48% तेल होता है। सो धन्यवाद आप सभी का, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऑफ़ कोर्स शेयर करें। और तब तक बी गुड, डू गुड एंड बी वन।